और ये 501 पद्मुद्राओं का भारी भरकम आशीर्वाद हमारे, एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दें, क्या बात है, हमारे चाचा श्री देवेंद्र तिवारी जी, आपकी ओर से भारी भरकम आशीर्वाद आया है। मैं आपसे आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। बाबा बागेश्वर धाम सरकार की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। जय हो, वाह। आइए, अब जैसा कि आप सभी को इंतजार था, वो घड़ी आ गई है। आइए, चूंकि हम कुछ और गाना चाह रहे थे, लेकिन गुरु जी ने हिंट दे दिया है। चलो बेटा, सम्मान करो बच्चा। मिल गया भैया, मिल गया। और ये हमारे परम सम्मानी भैया अभय मिश्रा जी। जय जय। आपका आदेश सर आंखों पर, आपने एक आदेश दिया है क्या? कि दीदी एक गाना, आप इस गाने से शुरुआत करें कि अब चाहे माँ रूठे या बाबा, यारा मैंने तो हाँ कर ली। आपका बिल्कुल, इस गीत को हम आपको सुनाएंगे, लेकिन मेरी बात भी आप लोग सुन लें, हम सुनाएंगे, कहीं जा नहीं रहे। बिल्कुल बेटे, अब तो आ ही गए हैं, और क्या, आए अपनी मर्जी से हैं, हाँ। और जाएंगे आप लोगों की मर्जी से। बिल्कुल। और इस आदेश के साथ में ये 100 पद्मुद्राएं हैं, धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। ये आदेश शिरोधार है आपका भैया, आपका। चलिए बेटे, एक गीत आप लोगों ने सुना होगा, कौन सा है बोल लो। बहुत ही, इस धुन को आप लोगों ने सुना होगा, तब भी है बिल्कुल, लेकिन आइए, बिल्कुल इस गीत में परेशानी नहीं होगी। ना ना, 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 बिल्कुल आपका। के सुर से ये जीवन संगीत बना, we'll be right back.
के आशाओं के सावन में मंगलों की मानस आज यहाँ हो रहा है, उसी मानस में देखे कुछ पात्र ऐसे मिले जो योग की अग्नि में जल रहे हैं। योग की अग्नि में जल रहे हैं। कैसे बेटे? पहला पात्र जो योग की अग्नि में जल रहा है, सर्वभंग ऋषि जी। कही जोग अग्नि तन जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। सर्वभंग ऋषि जी कह रहे हैं क्या क्या बटे के तन है रतन तो जला दूं ये तन। इसलिए मैंने इस बात को रखा है और कोई परेशानी मैं जानती हूँ दीदी को नहीं होगी, क्योंकि आप बड़ी बहन हैं। okay. और जब हमारे गुरु जी हमारे दादाजी बैठे हो तो भला परेशानी कैसी। बेटा चेचिस के हिसाब से बजाओ, बच्चे ज्यादा बजा रहे। देखिए सर्वभंग ऋषि जी कह रहे हैं क्या के तन है रतन तो जला। दर्शन 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 से मिटते हैं जीवन के संग्राम जी। हो क्या रहा है कि आशाओं का अंतिम क्षण उमंगों पर संग राम जी।
वासी है लखन संग्राम जी। अब एक बात और देखें भैया, सीटी रोक दें, वैसे भी कान में सीटी बज रही हमारे भैया। हेलो हेलो हेलो, ये आवाज कम हो गई भैया। हेलो 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 हेलो, हेलो, देखिए आवाज बढ़ा दे भैया। हेलो 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 हेलो, के आशाओं का तज जोग पावक दे है हरि पद लीन भई जह नहीं फिरे। वाह शाबाश, देखिए सबरी एक पात्र और मिल गई, माँ सबरी जो योग की अग्नि में जल रही है। बिल्कुल बेटे, देखिए ये साहित्य की धरती है, हमारे परम सम्मानीय दादा श्री देशराज बटेरिया जी, उनकी ये धरती है, उनकी ये सरजमी है, जय हो। इसलिए मैंने साहित्य को चुना कि आप लोग साहित्य को सुने, जय हो। बाकी अगड़म बगड़म तो सभी गाते हैं, क्यों चाचा? बिल्कुल सभी गाते हैं, लेकिन आज जो मैं यहाँ दे करके जाऊंगी आप लोग कहेंगे कुछ साहित्य आपने सुना। क्या बात है बेटे, सुंदर। सबरी जी जिस समय मिलन हुआ तो देखिए हुआ क्या, भगवान राम से मिली तो हुआ क्या, क्या कि मन के चमन में खिले अब सुमन। Thank you.
वाह ध्यान दीजिएगा। अब देखिए फिल्मी कलाकारों ने इस जगह धुन बदल दी। क्या जलते सती जी एक बात और। क्या धन के भंडारों पे मान किया कौन? कौन बेटी? सती के पिता राजा दक्ष ने। आप लोग सुन रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य। बहुत अच्छे बेटे। चाचा जी कहना पड़ा क्या? आशाओं का अंतिम क्षण, आशाओं का अंतिम क्षण, पंखों पर विराम जी, मंदिर में रमिए पिए सहित श्री सच्चे दरबार की जय। बोले भगवान ऐसा लगता है कि ये तिंदनी ग्राम मेरा है। यही पढ़ा हूं, ये शिक्षा पाई है, मालूम है। ऐसा लगता है कि ये तिंदनी ग्राम मेरा है। जितने लोग भैया बैठे हैं
सभी के सम्मान में है, केवल इनके सम्मान में ही नहीं है, इसे सब लोग ध्यान देना। ऐसा लगता है कि ये तिंदनी ग्राम मेरा है, इसलिए आज ये सेवा का काम मेरा है। आज सुनने के लिए जो भी भक्त आए हैं, आज सुनने के लिए जो भी भक्त आए हैं, सभी को हाथ जोड़ कर प्रणाम मेरा है। सभी को हाथ जोड़ कर प्रणाम मेरा है। आइएगा, इसी के साथ आप सभी का स्वागत करते हुए स्वागत करता हूं अपने इस जनपद की होनहार कीर्तन कलाकारा नीलम विश्वकर्मा जी को, अपने मंडल के साथ आए और सुंदर वंदन गीत जवाब और अपना स्वतंत्र गीत भेंट करें। साधुवाद है, धन्यवाद है। आइएगा नीलम विश्वकर्मा जी। आप लोगों का इंतजार खत्म करते हुए जो गीत आप लोगों ने सुना है उसका जवाब हम बच्चों की तरफ से जितना कुछ बन पड़ेगा। हमारे भैया को गुस्सा आ रही है, बहुत लेट हो गया कार्यक्रम। नमन वंदन करें, हमारे स्वागत करें हमारे बहुत ही अच्छे फनकार कलाकार, हमारे माने शमाने बड़े भैया, भैया श्री शिवपुरी शिव जयपुरिया जी पधार चुके हैं महाराज जी के चरणों में। नमन है मेरी ओर से, आशीर्वाद की कामना है। तो गाया फिल्मी दुनिया वालों ने किस सुर से ये जीवन संगीत बना, बिल्कुल। तो माता भवानी हम दोनों बहनों का ये स्नेह बनाए रखें। तो गाया है क्या बेटे, कि सुर से ये जीवन संगीत बना, तेरी पायल छन की गीत बना, ये, ये। कि सुर से ये जीवन संगीत बना, तेरी पायल छन की गीत बना, ये।
सभी लोगों ने सुना है। राम जी लखन सिया राम जी, फिर लखन राम जी, फिर प्रिय राम जी। देखिए एक एक क्रम से एक एक कम रहे हैं। लखन सिया राम जी माता जानकी दूसरे अंतरे में नहीं है, लखन राम जी फिर प्रिय राम जी। आइए प्रयास करें अपनी ओर से सुने। कल से भी कल है मुझको वो वरदान चाहिए। तो महाराज ने कहा अरे रानी दो वरदान की जगह आप चार वरदान ले लीजिए, पर वही मोहिनी मूरत दिखलाइए। तो देखिए रानी ने जब वरदान मांगे, वो जब वरदान मांगे तो हुआ कि कल से भी कल है न पाया है कल। दादा मांगे तो चकराई अकल। क्या बात है, वो वरदान साधारण नहीं दे, पर मांगे है तो चकराई अकल। तो पल पल प्राण तड़पते हैं। क्यों राम को वनवास मांग लिया तो महाराज दशरथ, तो पल पल प्राण तड़पते हैं। Come on,
मन में होता हराम जी, तन से प्राण त्यागे पाए जो लक्ष्मण राम जी। आशाओं के अंतिम पल जीवन में होता है हराम जी, और आज दशानन से करता वो जटायु संग्राम जी, तन से प्राण त्यागे पाए लक्ष्मण। और इस बात की पुष्टि मानस ने भी की है कि रघुपति आनो जही आवत देखी, बाहज चिंता कीन बिसेखी। तो कहना पड़ा आशाओं